आज हम डिस्कस कर रहे हैं किसके ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट्स अ किंगडम प्रोकैरियोटी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 होगा, किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसके ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन है, ये किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कब इनकी डिस्कवरी हुई, और इसके अलावा हम इनकी जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, उस टेक्सोनॉमिक पोजीशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि ये टेक्सोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से या क्लासिफिकेशन के हिसाब से किस ग्रुप के अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, तो किंगडम का तो आपको पता है, किंगडम का मतलब है हाईएस्ट रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हाईएस्ट रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अच्छा, इसके अलावा एक और भी रैंक है जिसे हम डोमेन का नाम देते हैं। हम डोमेन को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर, जब हम इनकी टेक्सोनॉमिक रैंक देखेंगे एज अ डोमेन। ठीक है, तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि ये किंगडम मतलब हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी एक बहुत बड़ा है ग्रुप है। ठीक है, तो किंगडम प्रोकैरियोटी का मतलब है ऐसा किंगडम जिनके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोकैरियोटिक शामिल हो। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं या प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स, किंगडम प्रोकैरियोटी का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स दैट्स कॉल्ड किंगडम प्रोकैरियोटी। ठीक है, यहाँ किंगडम प्रोकैरियोटी इज अ बेसिकली इज अ ग्रुप व्हिच कंटेन और व्हिच इंक्लूड्स द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो उस ग्रुप को या उस किंगडम को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक किंगडम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स तो हो गया, अब प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स क्या है बेसिकली। दरअसल जब सेल इवॉल्व हुआ था तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, उसके अंदर ना प्रॉपर जो ऑर्गन सिस्टम था, प्रॉपर ना ऑर्गेनलीज थे, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस तरह के जो क्लोरोप्लास्ट, इस तरह की जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हैं वो भी प्रेजेंट नहीं थे, उनका जो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, उनका जो जेनेटिक मटीरियल था सिंपल क्रोमोजोम्स की कॉइलिंग के अंदर था। कहना कहने का मतलब ये है कि ये इसका जो सेल था प्रोकैरियोटिक सेल, वो शुरुआती दौर के अंदर क्या था, बहुत ही सिंपल था। जो फर्स्ट इवॉल्विंग सेल था, जो पहले वजूद में आया था, वो क्या था, बहुत ही सिंपल था। तो उसको नाम दिया जाता है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का नाम दिया जाता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि प्रो का मतलब है अर्ली, प्रो का मतलब क्या है, प्रो का मतलब है अर्ली या बिफोर, हम इसे बिफोर भी कह सकते हैं। ठीक है, और कैरियन का मतलब आपको पता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। यानी बिफोर न्यूक्लियस का मतलब क्या है, बिफोर न्यूक्लियस का मतलब है कि ऐसे सेल जिनके अंदर अभी तक न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ है, या जिनके अंदर अभी तक न्यूक्लियस की कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और अब इन प्रोकैरियोटिक सेल से जो जानदार बनते हैं, जो जानदार इन प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, तो यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल है जिनके अंदर ना ही डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे, ना ही जो प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। प्रॉपर न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल की अरेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, सिंपल क्रोमोसोम्स कॉइलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होगा इनका जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, तो उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और उस प्रोकैरियोटिक सेल से जो जानदार बनते हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्रोकैरियोट्स आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, दोस ऑर्गेनिजम्स व्हिच लैक ट्रू न्यूक्लियस, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो। ठीक है, एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। उसके अलावा गल्जी बॉडीज हो गया, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। अच्छा, उसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, वो भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, तो इस किस्म के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते इन सेल के अंदर, और जिस सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, और उससे बने जानदारों को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। तो बेसिकली दो ही किस्म के जानदार हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं हमारे पास, एक तो है बैक्टीरिया, एक कैटेगरी को हम बैक्टीरिया का नाम देते हैं, दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है उन्हें हम सेनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। ठीक है, ये दो कैटेगरीज हैं जो कि किसकी बनी है, ये दोनों कैटेगरीज प्रोकैरियोटिक सेल की बनी है, तो इसे हम प्रोकैरियोट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो यही प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी बनाते हैं। इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, मोनेरा, किंगडम मोनेरा इसका पुराना नाम है, और बाद में इसको मार्गुलस और शिवार्स ने जो नाम दिया था, किंगडम प्रोकैरियोटी का नाम दिया था। ठीक है, अच्छा,
इसकी टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर पता चल जाएगा। अच्छा, आप हिस्ट्री और डिस्कवरी के हवाले से अगर हम देखें तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। ठीक है, अब सेल की डिस्कवरी के बाद जो क्या हुआ था, जो हमारे पास एक साइंटिस्ट है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा है किसके अंदर, अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा है 1870 के अंदर। 1870 के अंदर ये अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक जो पॉन्ड वाटर है, जो रेन का जो वाटर है या जो पॉन्ड वाटर है, ठीक है, उसके ड्रॉप को ऑब्जर्व कर रहा है या उस वाटर को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उस वाटर के अंदर उसने क्या देखा, बहुत सारी जो है ना टिनी क्रीचियर्स देखी, या बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देखे जो कि क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो छोटे छोटे उन ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने नाम क्या दिया था, उनको इन्होंने नाम दिया था फर्स्ट ऑफ ऑल किसका, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। इन्होंने नाम किसका दिया था, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल लाइक थे तो इसी वजह से इन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया था। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1870 के अंदर, ठीक है, जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क स्टार्ट किया था। फिर बाद में इन्होंने अपना जो रिसर्च वर्क था वो लेटर के फॉर्म में किसको भेजा है, रॉयल सोसाइटी के साइंटिस्ट को भेजा, ठीक है, क्योंकि कंफर्म वही करेंगे या पब्लिश तभी होगा जब वो बात को कंफर्म करेंगे या आगे साइन करेंगे, तभी ये क्या होगा, इनकी जो रिसर्च होगी वो पब्लिश होगी। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने तकरीबन 78 के अंदर, 73 के अंदर, 1873 के अंदर क्या किया, जो बैक्टीरिया थे या प्रोकैरियोटिक थे उनको दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे या एनिमल क्यूल्स थे उनसे अलग किया। यानी उस पानी के अंदर तो एमोबा भी थी, पैरामेशियम भी थी, और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी शामिल थे जो कि यूकेरियोटिक हैं। लेकिन जब 1873 के अंदर इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को सेपरेट किया, किससे, सेपरेट्स बैक्टीरिया, सेपरेट्स सेपरेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम अदर, बैक्टीरिया फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अदर माइक्रोब, दूसरे जो माइक्रोब्स थे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे बैक्टीरिया को क्या किया, अलग किया। कब किया, 1873 के अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की है। कब की है, 1873 के अंदर की है। अच्छा, उसके अलावा हम एक और भी बात यहाँ पे करें, ये इंपॉर्टेंट बात, कि जो लिविंग सेल है उसको डिस्कवर करने वाला शख्स भी यही है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो सेल क्या था, वो डेड सेल था, वो कॉर्क के अंदर था या बाद के अंदर था, डेड सेल था कॉर्क के पीस के अंदर। लेकिन लिविंग सेल की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स या एनिमल क्यूल्स को इसने डिस्कवर किया है। इसका मतलब जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है वो किसने की है, फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल डिस्कवर किया है वो किसने किया है, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। सो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक इज द डिस्कवरर ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी के लिए इसको माना जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है, दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे इन्होंने डिस्कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और नाम है हमारे पास, लुईस पाश्चर, ठीक है, इसको लुईस पाश्चर। अच्छा, ये भी बताते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, इसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और हर तकरीबन जो भी फिल्यूड है, लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनके अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। खास करके इन्होंने बताया कि जो मिल्क है उसके अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स खास करके बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करवाते हैं, उस मिल्क के अंदर फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस करवाते हैं, जिसकी वजह से जो है जो मिल्क है वो क्या होता हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है या ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी क्या प्रोसेस करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। तो फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस के जरिए लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है, ठीक है, तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, जो मिल्क है वो ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने एक मेथड बताया जिसका नाम है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब क्या है, कि ऐसा मेथड जिसके अंदर हम जो मिल्क है उसको क्या करें, बॉयल करके रख दें, बॉयल करके डब्बों की अंदर पैक कर दें, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन। क्योंकि जब हम बॉयल करेंगे तो उस मिल्क के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उन बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। अगर बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो वो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा, अगर फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस नहीं होगा तो दूध जो है या मिल्क है वो ख़राब नहीं होगा, मिल्क की जो हिफाजत हो जाएगी, ठीक है। तो उस मेथड को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी वैक्सीन्स भी डिस्कवर की हैं, किसके अगेंस्ट, पॉल कॉलरा के अगेंस्ट, रबीज के अगर एंथ्रेक्स के अगेंस्ट जो है वैक्सीन्स की भी डिस्कवरी की है, ठीक
ठीक है, एक और नाम हमारे पास आता है जो है रॉबर्ट कोच का, ठीक है, रॉबर्ट कोच या रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी, डिजीज की जो है जर्म थ्योरी दी, और उसके अलावा जो रेड शेप्ड बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, उसके अलावा कोलरा जो बैक्टीरिया है जो कोलरा पैदा करता है या कोलरा की डिजीज काज करवाता है, जो डिजीज का सबब बनता है, उस बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, ठीक है। तो ये थी उनकी डिस्कवरी, और हिस्ट्री के हवाले से जो मेन डिस्कवरी है वो किसके तरफ जाती है, वो एंटोन वान ल्यूमेन के तरफ जाती है, जिसने फर्स्ट लिविंग सेल भी डिस्कवर किया और बहुत सारे माइक्रोब्स भी डिस्कवर किए, उसके अलावा बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया फ्रॉम द पोंड वाटर, ठीक है। तो इसकी ये होगी डिस्कवरी। अब हम देखेंगे जो प्रोकैरियोट्स हैं या बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, बेसिकली हम सबको मिलाकर प्रोकैरियोट्स ही कहते हैं। अब प्रोकैरियोट्स को टैक्सोनॉमिक लेवल के हिसाब से किस ग्रुप के अंदर, यहाँ जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं दो किंगडम सिस्टम, फिर थ्री, फिर फोर, इस किंगडम सिस्टम के हिसाब से उनको किस किस ग्रुप के अंदर शामिल किया गया है, और आखिर अब ये कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा हम डोमेन का भी देखेंगे कि डोमेन क्या है, और डोमेन के हिसाब से ये